देख रहे हैं आप इस बस में टूरिस्ट आए हैं। अच्छा सॉलिड आयरन का, ठीक है। और ये दरियाफ्त किया गया इस तरह के बिल्कुल साथ नजरान, ये नजरान है और ये यमन का बॉर्डर है। इसका ये ओरिजिनल कलर है इसका, ठीक है। ये ग्रीन टाइप का, ये माउंटेन साल, ये देखो कितना ज़बरदस्त पत्थर है, कितने ये है पत्थर, और ये पत्थर है लेकिन ये दरख्त नहीं है, पत्थर है। और इस तरह पाए जाते थे लेकिन आजकल नहीं है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, बाकी आगे पत्थर के जो हैं तीर जो हैं शुरू में ये लोहे के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ अपने नए व्लॉग में। दोस्तों जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को किसी अच्छी सी जगह पे और किसी इंटरेस्टिंग जगह पे जो है ना आप लोगों को विज़िट कराऊं, तो इसीलिए आप दोस्तों से गुजारिश है जो नए देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज जो है ना हम आए हैं रियाज में, एक नेशनल म्यूज़ियम है, तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। तो मैंने भी इसकी तारीफ़ सुनी थी तो मैं भी आज आप यहाँ पर आ गया हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो थोड़ा सा मैं बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूँ फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। ये जो बस देख रहे हैं आप, इस बस में टूरिस्ट आए हैं। यहाँ से दोस्तों एंट्रेंस होता है म्यूज़ियम का। दोस्तों ये देख रहे हैं कि हम आगे आए हैं आज म्यूज़ियम के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर जो मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ, और क्या ज़बरदस्त म्यूज़ियम बनाया है, ये ज़बरदस्त एंट्रेंस पड़ा है और बनाया हुआ है। अंदर चल के बाकी देखते हैं। दोस्तों जैसे ये इंट्रेंस में आते हैं पत्थर मिलता है, और पत्थर की हिस्ट्री पढ़ के मुझे बहुत अजीब लगा, और मेरे कुछ सवाल जब ये मैं हिस्ट्री हिस्टोरिकल प्रोग्राम या ड्रामे जो मैं देखता था ना, तो उसमें एक सवाल उठता था कि अगले दौर में तलवारें वगैरह हैं, लोहे की जो बत्ती थी या स्टील की बत्ती थी, कैसे दरियाफ्त करते होंगे। तो उसका जवाब मुझे आज मिल गया, ये पत्थर देखे, ये पत्थर जो है ना, ये मैंने जब इसकी हिस्ट्री देखी तो ये पत्थर सॉलिड आयरन का है, ठीक है। और ये दरियाफ्त किया गया इस तरह के बहुत सारे पत्थर होंगे, तो मैं इसको टच करके भी देखा, और बिल्कुल यहाँ पर आपको शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ पर पत्थर है, और ये दरियाफ्त किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो म्यूज़ियम है ये हिस्ट्री और कल्चर पे है टोटल बना हुआ है। सऊदी अरब की क्या हिस्ट्री है, कितने मिनरल्स हैं, और सऊदी अरब के जो यहाँ पर इनके सोर्सेज हैं, जो इतने बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों में से कौन कौन सी मादनियात निकलती हैं, उसकी डिटेल है। तो ये देखें जो मिनरल वेल्थ ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ऊपर से जॉर्डन इसको टच करता है, और इधर से इराक आता है, कुवैत आता है, दरिया जाता है, फिर यहाँ से कतर साथ ये लगता है, फिर यूएई लगता है, ओमान लगता है, और यहाँ पर आकर यमन लगता है। और मेरा जो सिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और जो मेरा सिटी है बिल्कुल साथ निगरान, ये निगरान है यमन देख रहे हैं कि मैं यानी कि यमन के कितने बॉर्डर के कितने करीब रहता हूँ। पत्थर को देखें, हॉस्पिटल कई किस्म का पत्थर मिलेगा आपको, उसके बाद ये देखें, ये देखें, ये देखें, और ये देखें, यानी कि ये बिल्कुल ब्लैक मदीना में बिल्कुल ऐसे पत्थर हैं, और यहाँ पर ऐसे ही पत्थर हैं। इसको समझ शायद आप समझ रहे होंगे कि शायद इसको कलर दिया है, इसको कलर नहीं दिया, इसका ये ओरिजिनल कलर है इसका, ठीक है, ये ग्रीन टाइप का। और उसके बाद ये देखें कि इससे सेगमेंट संगमरमर वगैरह निकलता है, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत पत्थर है। और उसके बाद ये पत्थर हैं, और ये नॉर्मल पत्थर हैं, सो पर हिस्ट्री ये लिखा है। पखा जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो इस पत्थर में गोल्ड है और सोना है, इस पत्थर में मैं आप इस पत्थर में गोल्ड है। मैंने कोशिश की कि आपको मैं गोल्ड दिखा दूँ, लेकिन शायद कैमरा में नहीं आ सकेगा। बहरहाल इस पत्थर में
गोल्ड मिक्स है। यहाँ पर कुछ और मिनरल्स हैं जो मुझे चौंका दिया, मुझे पता भी नहीं था। यहाँ पर आकर पता चला कि सऊदी अरब में यानी कि कोल भी निकलता है, कोयला भी यहाँ से निकलता है। ये तो उसका है अपना मार्बल का है पत्थर, तो ये भी वो कितना खूबसूरत पत्थर है। और यहाँ पर सारे, और ये जो है ये सॉल्ट है, तो माउंटेन सॉल्ट है। कुछ और पत्थर हैं, ये भी सॉल्ट है, ये माउंटेन सॉल्ट। कितना ज़बरदस्त पत्थर है, कितने इसमें अंदर ये ओरिजिनल है, इसको कोई कलर वलर नहीं दिया है। तो फिर उसके बाद ये देखिए, ये है पत्थर, ये पत्थर है, ये देखें, ये डायनामिक आर्ट रॉक साइड है, देखें बहुत बड़ा बना है। पिक्चर दे रही है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे। तो मैं तो ऐसे सरसी से देखा है, आप भी देख रहे होंगे, या मुझे बता दें कि ये क्या चीज है। देखने में आपको ये एक दरख्त का तना लग रहा होगा, ठीक है, मैं भी यही समझा था दरख्त का तना है, लेकिन शायद किसी दौर में ये दरख्त या कोई चीज़ ऐसे पत्थरों के हुआ करते थे। और मुझे भी ये लगा कि ये बिल्कुल दरख्त है, लेकिन ये दरख्त नहीं है, ये पत्थर है, ठीक है। और इस तरह का एक और मैं दिखाता हूँ, एक और यानी कि आप समझेंगे कि शायद दरख्त का तना है। मैं भी यही समझाता हूँ ये दरख्त का कोई टुकड़ा है, दरख्त का तना है, लेकिन ये दरख्त नहीं है, ये भी पत्थर है। और मुझे तो हैरान कर दिया, और सबसे हैरान की कि ये बात है कि यहाँ पर जब मैं आया, जब ये चीज़ मैंने देखी, ये भी आपको मैं दिखा दूँ कि ये भी आप समझ रहे होंगे कि लकड़ी का एक टुकड़ा है, लेकिन ये एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये भी पत्थर है। और देखें क्या ज़बरदस्त शाहकार है। और पता नहीं ये कौन से जानवर थे, और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहरहाल ये सऊदी अरब में पाए जाते थे लेकिन आजकल नहीं है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, बाकी आगे चल के मैं आपको और दिखाता हूँ, म्यूज़ियम का बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो हाँ, ये थे हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे ही यानी कि थोड़ा ज़माना तरक्की करता गया, तो ये चीज़ें जो है दरियाफ्त होती गई, यानी कि एट द एंड यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये पत्थर के जो हैं तीर जो हैं शुरू शुरू में ये लोहे के नहीं हैं, ये पत्थर के हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो हैं ये पत्थर के हैं। तो शुरू